हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मेरे पास आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या आपको इस वक्त दिख रहा है मेरे फेस पे कोई मेकअप? मैंने नहीं किया है, बट अगर इफ आपको लग रहा है कि मैंने अभी कोई मेकअप किया हुआ है तो नो, कोई मेकअप नहीं है। क्या आपको, अगर आप मेकअप करते हो और एक मेकअप प्रोफेशनल हो तो आपको पता होगा क्या मैंने इस वक्त कोई हाइलाइटर लगाया हुआ है? सी, क्या इस वक्त मैंने कोई हाइलाइटर अप्लाई किया हुआ है? नो। अगर आपको दिख रहा है तो मेरी स्किन एक्चुअली शाइन कर रही है ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ओके, इसे हम लोग इंटरनेट की भाषा में आजकल क्या कहते हैं? ग्लास स्किन। यस। इसी टॉपिक के लिए आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, है ना? हम सबको चाहिए ग्लास स्किन, मतलब ऐसी स्किन जो शीशे की तरह चमके, है ना? जब उस पर लाइट पड़े तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे और चमके, ऐसे शाइन दे, परफेक्ट, एकदम बहुत बढ़िया सी। ओके, ये हम सभी को चाहिए, चाहे हमारा कुछ भी स्किन टोन हो, कुछ भी स्किन कलर हो, है ना? बट हम सबको चाहिए कि हमारी त्वचा अपने बेस्ट पर एकदम शाइन करे, चमके। वैसे तो आप लोग अगर खुश रहेंगे तो वो हमेशा ही चमकेगी। तो सबसे पहला जो DIY वो तो यही है, गिव अ ब्रॉड स्माइल। तो अगर आप एक बहुत अच्छी स्माइल करोगे तो हमेशा वैसे ही आपकी आपका स्किन अलग ही ग्लो करेगा। बट स्टिल आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि ग्लास स्किन को अचीव करना है, ग्लास स्किन। तो मैंने भी ट्राई किया कि कैसे ग्लास स्किन अचीव की जा सकती। ग्लास स्किन मतलब कि स्किन का टेक्सचर इतना स्मूथ हो जाए कि वो लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट करे कि आपकी स्किन शाइन करे, है ना? इसके लिए मैंने कोई क्रीम्स यूज़ नहीं किए हैं, मैंने एक DIY ट्राई किया है। DIY मतलब डू इट योरसेल्फ, एक ऐसी होम रेमेडी जो हम सबको पता है बट हम सब ना थोड़ा सा भूल गए हैं, क्योंकि अभी हमको मार्केट में रेडीमेड उपटन मिल जाता है तो हम वो अप्लाई कर लेते हैं, है ना? इस होम रेमेडी में वही सब इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप सबको पता है, बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो आपको सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में रखना है। रुको रुको, अभी आगे DIY आ रहा है, ठीक है? सो वेट, बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट इस रेमेडी में होने वाला है एनी गेसेस? हनी। जो भी आप प्रिपेयर करते हो उपटन घर में, उसमें अगर आपने हनी नहीं ऐड किया है और सिर्फ एक ड्रॉप ऐड किया है अगर, तो यस, उसमें से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा, एक चम्मच कम से कम हनी डालने से आपको ग्लास स्किन अचीव होती है, दिस इज़ ट्रू। और अगर आपने ये ट्राई किया है, आपको ग्लास स्किन धीरे धीरे अचीव होने लगी है, कम से कम 7-8-10 दिन बाद अगर आपको दिखने लगा है कि त्वचा चमकने लग गई है अब, और धूप में तो अगर बाहर जाते हो धूप में तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है, बट ज़्यादा देर धूप में मत रहना, वापस आ जाना अंदर, ठीक है? धूप में तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो अगर आप भी ट्राई कर चुके हो या कर रहे हो या अब इस वीडियो की बात करने वाले हो, तो कम से कम 7-10 दिन तक इस रेमेडी को ट्राई करना, और उसके बाद अगर ग्लास स्किन अचीव ना होना तो आके नीचे कॉमेंट्स में लिख देना कि अचीव नहीं हुई है, ठीक है? तो आपकी स्किन में ब्लेमिशेस कम होने लग जाएंगे और वो नेचुरली ग्लो करने लग जाएगी, और बस ग्लास स्किन वुड बी अचीव्ड। ओके, रेमेडी आगे आ रही है एंड इसके बाद वीडियो स्टार्ट हो जाएगी जिसमें आपको दिखेगा कि क्या क्या आप लोग को प्रोडक्ट्स कितनी कितनी क्वांटिटी में लेने हैं। मैं आपको अभी सिर्फ ये बताऊंगी कि आपको उनको कब कब यूज़ करना है। आपको दिन में एक ही बार उनको लगाना है, आप दो बार भी लगा सकते हो सुबह शाम, ठीक है? बट अगर आपको लगता है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कुछ वैसे तो रिएक्शन नहीं करेंगे बट कर रहे हैं, तो आप इस रेमेडी को मत करना। ओके, आप इस रेमेडी को अप्लाई करेंगे, फेस को वॉश करेंगे और उसके बाद अपना मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, जो भी कंपनी का, जो भी क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो। मैंने इस रेमेडी के टाइम पे नेचुरल एलोवेरा जेल यूज़ किया था, ठीक है, एज अ मॉइस्चराइज़र। ओके, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। अब आपके पास वीडियो आ रही है रेमेडी की, मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ज़रा सा भी कॉन्टेंट पसंद आ रहा है ना तो सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, ठीक है? तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। रेमेडी आ रही है आगे, बाय। गाइज, इस रेमेडी के लिए हमको चाहिए 1 स्पून कर्ड का, मतलब दही, आप 2 चम्मच भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ 2 लिया है। ओके, उसके बाद हम यूज़ करेंगे बेसन, और बेसन हमारे स्किन के टेक्सचर को बहुत ही स्मूथ करने में हेल्प करता है। और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट इज़ हनी। हनी हमको काफ़ी, जितनी भी क्वांटिटी में आपको लगता है कि मेरी स्किन को सूट करेगा उतनी में आप डाल लीजिए। ज़्यादा डालेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर गर्मियों का मौसम है तो कम डालें। उसके बाद नाउ वी विल अप्लाई दिस मिक्सचर ऑन आवर फेस। हम एक थिक सी लेयर, मोटी सी लेयर
इस पूरे उपटन की अपने फेस पे लगा लेंगे जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। और ये अभी फर्स्ट ही लेयर है तो एक लेयर में उतनी थिकनेस नहीं आ पाएगी, तो एक लेयर अच्छे से अपने एरियाज़ को कवर करते हुए, अपने ब्लेमिशेस को कवर करते हुए लगाना है। और हेड को, फोरहेड को, माथे को नहीं छोड़ना है, क्योंकि कई बार हमारा वहाँ पर डीकलरेशन हुई रहती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा यू नो टैनिंग भी फेस करते हैं कुछ लोग फोरहेड पर। अब इस तरीके से एक लेयर हो जाएगी और ये दूसरी लेयर मैंने स्टार्ट कर दी है। दूसरी लेयर के बाद हमारा पैक थोड़ा थिक हो जाएगा और इतनी ही थिकनेस हमें कम से कम चाहिए ताकि अच्छे से ये जो है वो काम करे उपटन। सो यस, आप लोग भी ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं एंड दिस इज़ इट।